हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल बैलाजी ब्लूम इन दिस ट्यूटोरियल वी विल डिस्कस दी एसपीएससी पी लेक्चरर पेपर व्हिच वाज हेल्ड ऑन एट्थ मई 2024 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जुलॉजी लेक्चरर्स इन कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट सिंध सो लेट अस डिस्कस सबसे पहला जो सवाल है के a डेंसली staining बॉडी फाउंड इन इंटरफेज़ न्यूक्लिया ऑफ़ somatic सेल्स ऑफ फीमेल्स इज जो डेंसली स्टैनिंग बॉडी है फीमेल के सेल्स में फीमेल्स के सोमेटिक सेल्स में और इंटरफेज़ में वो पाई जाती है उसका नाम बताएं तो ये देखें कि ये एक सोर्स है टेस्ट पॉइंट उसी से क्वेश्चन लिया गया है एज इट इज़ नो एनी चेंजिंग ये ऑप्शंस भी बिल्कुल उसी तरह रखे गए हैं तो बहुत सारे सवाल जो हैं टेस्ट पॉइंट वेदांतू टॉपर ये जो इंडियन वेबसाइट हैं उनसे लिए गए हैं मतलब तो तो पूरा का पूरा टेस्ट जो है उन्हीं सोर्सेज से लिया गया है एज इट इज़ कोई चेंजिंग नहीं की है और जस्ट कट पेस्ट किया है तो ये देखें दैट इज द नॉन एज बार बॉडी बी ए आर बार बॉडी इट इज अ डेंसली स्टैंडिंग सो वाट इज बार बॉडी इट इज़ द इनएक्टिव क्रोमोसोम ऑफ मेमल्स वैन सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड दे body, -R -R, body, so, they, जब सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं सो दे ट्रांसक्राइब डिफरेंट जीन्स डिफरेंट जीन्स को ट्रांसक्राइब करते हैं डिफ्रेंश हो जाते हैं इंटू डिफरेंट टिश्यूज़ ऑर्गन्स नेक्स्ट है हु इंड्यूस्ड म्यूटेशन बाई एक्सरे रे इन फ्रूट फ्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम ये भी टेस्ट पॉइंट से लिया गया है एज इट इज़ और मज़े की बात यह है कि अक़ल के लिए हम कहते हैं नकल के लिए अक़ल चाहिए तो यहाँ पर इनकी टाइपिंग मिस्टेक है टाइपो मिस्टेक जिसको बोलेंगे फ़िलाए एफ एल वाई सिक्स लिखा हुआ है तो जो पेपर हमें मिला है उसमें भी फ़िलाए के आगे सिक्स लिखा हुआ था आप देख सकते हैं पेपर अगर आपके पास क्या है तो जस्ट एज़ इट इज़ लिया जाता है क्या एस पी एस सी वालों के पास एक्सपर्ट्स uh, नहीं हैं जो पेपर्स बना सकें तो ये फर्स्ट टाइम बात कर रहा है और यहाँ पर इसका जो आंसर है वो मॉर्गन बता रहा है जबकि फर्स्ट टाइम जो है हरमन जे मूलर ने फर्स्ट टाइम इंड्यूस किया था बाय म्यूटेशन इंड्यूस्ड म्यूटेशन बाय एक्सरे रेडिएशन इन फ्रूट फ्लाई एच जे मूलर इसका करेक्ट होगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बाद में थॉमस हंट मॉर्गन ने भी काम किया मगर सबसे पहले मूलर ने काम किया था विच वन इज़ मिस मैचड मिस कौन सा कौन सी चीज़ है तो हमें ये बताना है जो रियल स्नैक हैं और एक यहाँ पर जो है फॉल्स स्नैक है जो जिसकी तस्वीर मैंने दी हुई है बेसिकली इट इज़ अ लेगलेस लिजर्ड विच बिलोंग्स टू रेप्टीलिया सो कोरल स्नैक ये रियल स्नैक है सी भी ये भी रियल है रेटल स्नैक ये भी रियल है तो जो गिलास स्नैक है ये है मिसमैच्ड गिलास स्नैक बेसिकली स्नैक नहीं है जैसे हम बोलते हैं ना कि सिल्वर फिश हालांकि वो फिश नहीं होती वो इंसेक्ट होता है इसी तरह से ये जो गिलास स्नैक लिखा हुआ है ये स्नैक नहीं है ये लेगलेस लिजर्ड है अब डाउट नट से लिया गया है एज इट इज द फिल्मेंट्स दैट इन मूविंग ऑर्गेनालीज आर वो फिल्मेंट्स उनका नाम बताएं जो आर्गेनालीज को मूवमेंट में हेल्प करती हैं सेम द फिल्मेंट्स दैट स्पेशलाइज इन मूविंग ऑर्गेनालीज आर माइक्रो ट्यूब्यूल्स अब जो ऑप्शंस रखे हैं वो भी एज़ इट इज़ रखे हैं ठीक है आप आगे पीछे कर लेते नहीं तो इसी तरह से इन सोर्सेज से लिया जाता है और ये सोर्स है डाउटनट एंड एन इंडियन वेबसाइट ब्लड इज़ ब्लड जो है क्या होता है उसकी पीएच पूछ रहा है एसिडिक अल्कलाइन है वेरिएबल या न्यूट्रल है सो so जो ब्लड है वो अल्कलाइन या बेसिक होता है और उसकी जो पीएच है वो सेवन पॉइंट थ्री फाइव टू सेवन पॉइंट फोर फाइव रेंज करती है स्लाइटली बेसिक है या अल्कलाइन है मलबरी सिल्कवम मलबरी के पत्तों पे या मलबरी के ट्रीप के जो सिल्क वाम्स गिरो करते हैं उनका जोलॉजिकल नाम पूछ रहा है सो इट इज़ अ बॉम्बेक्स मोराई मोराई से मोरस अल्बा जो मलबरी का बॉटनिकल नेम है उसी से रिलेटेड होता है बॉम्बेक्स मोराई नेक्स्ट है ये फिलो वेबसाइट है उसी से लिया गया है एज इट इज़ अ जे शेप्ड ग्रोथ कर्व कैन बी एसोसिएटेड विद एक जे शेप्ड ग्रोथ कर्व जो है वो एसोसिएट होती है किस से ग्रोथ बायोटिक पोटेंशियल अनलिमिटेड रिसोर्स या आल ऑफ दिस सो जो जे शेप्ड कर होती है वो आल ऑफ दिस से रिलेटेड होती है द थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोपोज टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लिकेटेड मिकेनिज़म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन रॉसोफीला यह भी सोर्स पॉइंट से लिया गया है और इसी थ्योरी को जेनेटिक बैलेंस थ्योरी या जेनिक बैलेंस थ्योरी भी कहा जाता है और ये प्रोपोज की थी अमेरिकन साइंटिस्ट ने जेनेटिस्ट ने थॉमस हंट मॉर्गन ने जिसमें उसने बताया था कॉम्प्लेक्स मेकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रासोफिला या फ्रूटफ्लाई कार्बोनीफेरस पीरियड ऑफ कोल्ड डिपोजिशन वाज अब ये तीन सोर्सेज हैं इनसे एज इट इज सवाल लिया गया है एक है न्यूमरेड दूसरा है नट एंड तीसरा कुछ ये सोर्स है ये भी तो एज इट इज़ इन्हीं तीनों सोर्सेज का इन्हीं तीनों सोर्सेज पे आप देखेंगे तो ये सेम सवाल पड़ा हुआ है एज इट इज़ तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थ्री हंड्रेड मिलियन ईयर्स अगो थ्री हंड्रेड मिलियन ईयर्स अगो दैट इज़ दी राइट वन नेक्स्ट है जो कि टॉपर से लिया गया है एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो होता है आर एन ए पोली मरीज अ पापुलेशन इज इसमोल देयर इज ग्रेट चांस ऑफ अब ये स्टडी डॉट कॉम एज़ वेल एज टॉपर से लिया गया है वैन अ पॉपुलेशन इज स्मॉल देयर इज अ ग्रेट चांस ऑफ जीन फ्लो ऑफ़ जीन फ्लो जेनेटिक ड्रिफ्ट वग़ैरह ये सेम और यहाँ पर भी वेन अ पॉपुलेशन स्मॉल देर अ ग्रेट चांस ऑफ ठीक है सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट जब पापुलेशन स्मॉल होती है तो ज़्यादा चांस होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्योंकि क्योंकि ये होता है ड्यू टू लिमिटेड जीन पूल विच कैन काज चेंजेस इन अलील फ्रीक्वेंसीज मोर क्विकली देन इन लार्जर पॉपुलेशंस मास्ट सेल सीक्रेशन अक्रस आफ्टर एंड अलर्जिन कम्बाइन्थ मास्ट सेल सीक्रेशन तब अक्कर होते हैं जब अलर्जिन कम्बाइन होता है इम्यूनोगून ई e एंटीबॉडीज़ से कर्डलिंग ऑफ़ मिल्क इन द स्टमक इज़ ड्यू टू द एक्शन ऑफ ये बाय जूस से लिया गया है मिल्क की कर्डलिंग स्टमक में होती है और ये ड्यू टू एक्शन ऑफ रेनिन की मदद से होती है आर ई डबल एन आई एन रेनिन क्रॉस डिस्क इज़ द अदर नेम ऑफ़ क्रॉस डिस्क जो है किस चीज़ का अदर नेम है सर्कोलीमा एच जोन जेड लाइन या सरकोमियर सो इट इज़ अ जेड लाइन अब इसके और भी नाम हैं जैसे कि जेड डिस्क करॉस मेम्रेन डूबीज लाइन ये सारे जेड लाइन के नाम हैं तो ये मसल फाइबर्स में जेड लाइन्स होती हैं जेड लाइन देट्स वाई इट इज नोन एज जेड लाइन विच इज़ आल्सो नोन एज क्रॉस डिस्क डर ऑफ द स्किन कंटेंस ऑफ दालोइंग एक्सेप्ट स्किन की डरमिस जो होती है पहले एपडर्मिस होती है फिर डरमिसन एंड तो उसमें सब चीज़ें हो सकती हैं सिवाय ए लेर ऑफ़ डेड सेल्स ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स भी होती हैं नर्व एंडिक्स भी होती हैं और हेयर फोलाइकल्स भी होते हैं सिर्फ अ लेयर ऑफ डेड सेल्स नहीं होती जो कि एपिडर्मिस में पाई जाती है लिम्फोसाइट्स दैट काज दी होल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लिम्फोसाइट्स ये डाउट नट से लिया गया है वो लिम्फोसाइट्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सुराख कर देते हैं उनको किलर आर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहा जाता है दे आर टाइप ऑफ डब्ल्यू बी सीज सो देखें एज इट इज डाउट नट से लिया गया ये सवाल विच सेल्स आर्गेनल इज फाउंड इन प्रोटोजोन्स ये ब्रेनली से लिया गया है एज इट इज कौन सा सेल आर्गेनली प्रोटोजोन्स में पाया जाता है सो इट इज दी कंट्रैकटाइल वैक्यूल कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज फाउंड इन प्रोटोजोन्स नेक्स्ट है जो कि टॉपर से लिया गया है एज इट इज ट्रायलोबाइट्स इवाल्व इन ट्राइलोबाइट्स इवाल्व इन कैम्ब्रियन पीरियड दीज आर द्रायलोबाइट्स एंड ये कैम्ब्रियन पीरियड्स में इवाल्व हुए थे ये देखें किस तरह से हम कट पेस्ट करते हैं एज इट इज ठीक है थोड़ा बहुत इसको चेंज uh, किया या पेराफ्राइज किया पैराफ्रेज किया नहीं ऑप्शंस भी देखें ए है जहाँ पर तो वहाँ पर सेम है बी तो इसी तरह से एनीवे नेक्स्ट होगा विच एंडोक्राइन ग्लैंड बिकम्स इनएक्टिव ड्यूरिंग ओल्ड एज ओल्ड एज में कौन सा एंडोक्राइन ग्लॉ एंडोक्राइन ग्लैंड इनएक्टिव हो जाता है सो इट इज़ अ थाइमस ग्लैंड जो कि चेस्ट में मौजूद होता है जो वेल well डेवलप्ड होता है बेबीज़ में जैसे ही पबर्टी होती है पबर्टी के बाद वो एंडोक्राइन ग्लैंड श्रिंक होता है और ख़त्म हो जाता है डाउंस सिंड्रोम यहाँ पर डांस लिखा हुआ था डी ए डाउंस सिंड्रोम इज़ ड्यू टू डाउन सिंड्रोम जो है वो किस वजह से होता है ये भी टापर से लिया गया है सो डाउंस सिंड्रोम इट इज़ काज बाय एन एरर इन सेल डिवीज़न कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन नॉन डिसजंक्शन क्या है इट रिजल्ट्स इन एन एम्ब्रियो विद थ्री कॉपीज ऑफ़ क्रोमोसोम नंबर ट्वेंटी वन इंस्टेड ऑफ द यूजल टू तो इट इज़ ड्यू टू दॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोजोम्स टापल से लिया गया सवाल पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सीक्रेटेड बाय पेंक्रियाज पेंक्रियाज जो एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं पॉलीपेप्टाइड होता है उसी का नाम है ग्लूकागोन विच ऑफ दीज इज एसेंशियल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इन अवर बॉडी कौन सी चीज रिक्वायर्ड होती है हमारे बॉडी में ब्लड की कोएगुलेशन के लिए सो वो है फाइलोक्विनोन इन ह्यूमंस एंड अदर वर्टिब्रेट्स फाइलोक्विनोन फाइलो प्लेस द रोल ऑफ विटामिन के ये विटामिन के का रोल प्ले करता है और दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ब्लड कोएगुलेशन एंड बोन एंड मेटाबॉलिज्म वेस्क्यूलर मेटाबोलिज़्मी फॉलोइंग मेम्बर ऑफ अरेकनीडा आर प्राइमरी पैरासाइटिक मेंबर या मेंबर्स ऑफ अरेक्निडा फैमिली के क्लास के या फिर जो के अरेक्निडा क्या है वो आर्थ्रोपोड्स का एक ग्रुप है उसमें इस्पाइडर टिकमाइट्स ट्राइलोबाइट्स ये सब आ जाते हैं अब हमसे ये पूछ रहा है कौन से अरेकनीडा के मेंबर्स जो हैं पैरासाइट हैं जो डिजीज़ काज करते हैं हार्म करते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमन को एनिमल्स को सो वो होते हैं टेक्स एंड माइट्स दे आर पैरासाइट्स अब मोनोजोमिक टू एन प्लस वन एब इन ह्यूमन्स इज जो मोनोजोमिक एबनॉर्मलिटी है ह्यूमन में ये टॉपर से लिया गया है वो क्या है सो इट इज़ नॉन एज टर्नर्स सिंड्रोम ये टर्नर्स सिंड्रोम है इसमें क्या होता है ये एक कंडीशन है जो सिर्फ फीमेल्स को अफेक्ट करती है और वन वन ऑफ दी एक्स क्रोमोजोम्स जिसको सेक्स क्रोमोजोम भी कहेंगे इज़ मिसिंग होता है या पार्शली मिसिंग होता है जिसमें एक क्रोमोजोम कम होता है इसीलिए टू एन प्लस वन बताया जाता है मीन्स फोर्टी फाइव क्रोमोजोम्स होंगे इंस्टेड ऑफ़ फॉर्टी सिक्स द मीज़ोगलिया ऑफ हाइड्रा कंटेंस टापर से लिया गया सवाल मीज़ोगलिया ऑफ हाइड्रा में सेल्स नहीं होते नो सेल्स फिशेस आर द फर्स्ट फॉर्म फिशेस जो हैं फर्स्ट फॉर्म क्या हैं एन एमियोट्स एन एमियोट्स जो हैं फिशेस फर्स्ट फॉर्म हैं जिनके एग्स में एम्योटिक टिश्यू नहीं होता या एम्नियोटिक फिलुड नहीं होता और ऐसे ये वर्टिब्रेट्स दो हैं फिश एज वेल एज देट दे आर नॉन एज एन एम्नियोट्स दे डोंट हैव एम्नियोटिक फिलुड इन देयर एग्स दैट्स वाई दे रिक्वायर एग्स फॉर फर्टिलाइजेशन एंड दे एंड दे एग्स इन दियर द वाटर फिल्यूक्स एंड टेप वम्स फिल्यूक्स एंड टेप वम्प जो हैं दे हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपर से लिया गया सवाल इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन प्रोटीन सिंथेसिस इज इंडूस्ड बाय पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन की इंड्यूस्ड बाय होती है मिथियोनिन जिसको स्टार्ट कोडान भी कहते हैं ए यू जी सो ये सेम सवाल सेम एज इट इज इनिशिएशन ऑफ पेप्टाइड चेन इन प्रोटीन सिंथेसिस इज इंड्यूस्ड बाई टॉपर से लिया गया जिसका ऑप्शन होगा मिथियोनिन ऑस्कारबिक एसिड इज ऑस्कारबिक एसिड इज अ विटामिन विच इज आल्सो नोन एज विटामिन सी जो कि वेरी यूजफुल होता है फॉर ट्रीटिंग स्कर्वी या स्किन डिजीज़ेस। आफ्टर स्पम सेल्स आर प्रोड्यूस्ड दे आर मेनली स्टोर्ड इन जब इस्पम सेल्स प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं तो मेनली स्टोर्ड होते हैं एपीटाइमस में फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉड इट्स नेम करोना वायरस ने कहाँ से अपना नाम लिया सो so, इनकी जो शेप है स्ट्रक्चर है ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शंस कोरोना वायरस वॉज नेम्ड इफ़ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए इज टी ए जी सी देन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन आरएनए विल बी ये टॉपर से लिया गया सवाल एज इट इज़ अब हमें पता है आरएनए में जो यूरसल है वो थैमिन को रिप्लेस करता है ठीक है तो हमारे पास कौन सी सीक्वेंस है टी ए जी सी जो कि डीएनए में है सो so, ए जो है टी से मिलेगा और यहाँ पर यू जो है ए से मिलेगा सी जी से जी और सी से सो ए ए यू यू सी सी जी, जी विल बी करेक्ट वन विच ऑफ दीज इज़ बायोल्यूमिनीसंस बायोल्यूमिनीसन्स कौन से हैं डाउट नट से लिया गया है जेली फिश इज नोन एज बायोल्यूमिनीसंस जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं अब यहाँ पर पूछ रहा है जो कि डाउट नट से लिया गया है सवाल इरेथ्रोसाइट्स एज इट्स लिया गया इथ्रोसाइट्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस इरेथ्रोसाइट्स मींस आर बी एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंडर एनरोबिक कंडीशन मे एक्यूमलेट ये दोनों इलेक्ट्रोसाइड्स अंडर नॉर्मल कंडीशन एंड माइक्रो ऑर्गेजम्स अंडर एनारोबिक कंडीशंस में एक्यूमुलेट क्या एक्यूमुलेट करते हैं एन ईडीएच पायरोट फास्फोनल पायरोट या लैक्टेट एन डी एच पायरोट फास्टफोइनल पायरोट या लैक्टेट सो देूमुलेट लेक लैक्टेट इज द राइट वन करेक्ट एंसर अब देखें एज इट इज लिया गया है एक भी पॉइंट का चेंज नहीं है तो जैसे हमारे मसल्स एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं तो एरिथ्रोसाइट्स में लैक्टिक एसिड या लैक्टेट अक्यूमुलेट होता है सेम वे में जो माइक्रो ऑर्गम्स होते हैं अंडर एनारोबिक कंडीशन में रेस्पायर करते हैं तो उनकी बॉडी में भी लैक्टेट एक्यूमुलेट होता है ये टेस्ट पॉइंट से लिया गया सवाल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज द वन काज बाय वाम इज सेम एज इट इज़ ये देखें तो कौन सी डिज़ीज़ जो है वाम से काज होती है सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया ये सेक्स लिंक्ड डिजार्डर है क्लैनिफ्ट सिंड्रोम ये भी सेक्स लिंक्ड रिंग वर्म जो कि फंजाई के, के थ्रू होती है बाकी बच जाती है ट्रिकियोनोसिस जो कि एक डिज़ीज़ है कास्ड बाय वाम इट इज़ अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन कास्ड द राउंड वर्म, वर्म ट्रिकनीला जो कि हमारी बॉडी में आता है ड्यू टू ईटिंग द अंडर कुकड आर रॉ मीट स्पेशली पोर्क या वाइल्ड गेम नेक्स्ट है जो कि टेस्ट पॉइंट से लिया गया है जाइमोजिन सेल्स आर फाउंड इन एज इट इज़ लिया गया है जाइमोजिन सेल्स जो हैं कौन से स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं सो दे आर फाउंड इन स्टमक टॉपर से लिया गया सवाल द नोएएस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस ट्यूब्स ऑफ लंग्स आर नोन एज नैरोएस्ट भी हैं और मोस्ट न्यूमरस और सबसे ज़्यादा ट्यूब्स हैं अब यहाँ पर अलवलय का भी ऑप्शन है मगर अलव क्या है वो ट्यूब नहीं है वो सेक है या बेग है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रोंकीोस ब्रोंकाय जो हैं वो इसमें ब्रोंकी्यूल्स में ब्रेक होते हैं इन द लंग्स सो ब्रोंक्यूल्स आर दी नेरोएस्ट एज वेल एज मोस्ट न्यूमरस ब्रोंक्यूल्स नेक्स्ट है इन विच एनिमल इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम नॉट इन्वॉल्व इन गैस ट्रांसपोर्ट ये भी टेस्ट पॉइंट से लिया गया सवाल कौन से एनिमल में ऑप्शन में से सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इन्वॉल्व नहीं होता गैस ट्रांसपोर्ट में सो इट इज़ अ ड्रैगन फ्लाई जो कि एक इंसेक्ट है दे डू नाट देयर सर्कुलेटरी सिस्टम आर नाट इन्वाल्वड इन गैस ट्रांसपोर्ट ड्रैगन फ्लाई सिनकाइटियल थ्योरी फॉ एक्सप्ल सिनकाइटियल थ्योरी जो है वो कौन सी चीज़ को एक्सप्लेन करती है इसका करेक्ट आंसर मुझे समझ नहीं आ रहा ये आप लोग बता सकते हैं थैंक यू